ऐसा लगता है मानो कलयुग अपने चरम पर है। कुछ लोग ऐसे जघन्य पाप करने लगे हैं जिसकी सजा जितनी भी दी जाए कम ही होगी। जोधपुर में एक खानाबदोश परिवार की 2 साल की बच्ची को किसी ने दरिंदगी का शिकार बना डाला। बच्ची के साथ रेप के बाद उसे हनुमान मंदिर के पास लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया। राहगीरों ने जब बच्ची को ऐसी हालत में देखा तो पुलिस को खबर की। घटना की जानकारी मिलते ही शास्त्री नगर देवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश का रहने वाला परिवार अशोक उद्यान के पीछे रहता है, मंदिर के बाहर भीख मांगकर गुजारा करता है। एसीपी अनिल कुमार ने बताया कि बालिका को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि भी कर दी है। आरोपी की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। दर्जनों सीसीटीवी खंगालने के बाद भी आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। ये अपने खेमे के कुएं के पास बालाजी का मंदिर है। यहाँ पे एक सुबह सूचना मिली थी यहाँ से कि किसी बच्चे के साथ कोई बुरा व्यवहार हुआ है, तो मौके पर पुलिस पहुंची और सर्वप्रथम तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार टीमें गठित किए जा करके सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले जा रहे हैं। आगे प्रक्रिया जारी है। पुलिस को सीसीटीवी से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। एसीपी अनिल कुमार का कहना है कि परिवार शनिवार रात को खेमे के कुआं स्थित हनुमान मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। रात को माता पिता वहां से चले गए, लेकिन बच्ची वहीं बैठी हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और उसे अपने साथ ले गया। रविवार सुबह करीब 6 बजे पास में सब्जी मंडी बेचने वाली ललिता देवी ने मंदिर के पास बच्ची को बेसुध देखा। वो लहूलुहान हालत में थी। महिला ने बच्ची को पहचान लिया और उसके पिता को फोन किया। बच्ची के पिता ने महिला को बताया कि उनकी बच्ची तो रात से ही गायब है। इसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। बाद में FSL की टीम ने भी सबूत जुटाए। अब रेप पीड़िता का इलाज उम्मेद हॉस्पिटल में चल रहा है। पीड़ित परिवार मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।